अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं प्रिंट पॉइंट। आज की वीडियो हमारी डेडिकेटेड वीडियो है पबजी मोबाइल के लिए। शोमी एम आई 10T के ऊपर पबजी मोबाइल गेम प्ले करके दिखाऊं। ये मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने शोमी एम आई 10T का रिव्यू किया था। तो आज की वीडियो में हम टोटली डेडिकेटेड वीडियो पबजी मोबाइल के ऊपर बनाएंगे जिसमें 90 FPS स्मूथ के ऊपर मैं आपको गेम करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे कोई लैग तो नहीं हो रहा, कोई गेम कोई FPS ड्रॉप तो नहीं हो रहे और इसके अलावा कोई मोबाइल वगैरह हीट तो नहीं हो रहा। तमाम की तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेंगी। उस वीडियो को शुरू से आकर तक लाजमी देखिए अगर आप मोबाइल को बाय करना चाह रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दौरान गेम के बताता रहूंगा। सो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की क्वालिटी जो शोमी एम आई 10T हमें प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता चलूँ, मैं कोई भी छोटे मोटे प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहा, डायमंड और एस के प्लेयर आएंगे हमारे साथ जिसके साथ मेरी फाइट होगी और आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म की गेम हुई है। तो चलिए चलते हैं वीडियो इधर। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर पबजी को ओपन। तो मैं पबजी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी अभी आप देख सकते हैं कि पबजी कितनी जल्दी ऑन होगी। अगर आप आपके पास कोई स्टॉप वॉच वगैरह पड़ी हुई है तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल आपको नहीं दिखा सकता, बल्कि आप वीडियो के सेकंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियो के अंदर ये पबजी जो है कितनी जल्दी लोड हुई है। देख, मेरे ख्याल से कोई 20 सेकेंड के करीब इसने लिए होंगे या फिर शायद इससे भी जल्दी। अंदर जाऊँ सेटिंग के अंदर जाकर मैं ग्राफिक्स आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 90 FPS मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं और स्मूथ। अगर मैं बैलेंस के ऊपर जाऊंगा तो ये एक्सट्रीम तक रहेगा, मतलब 50-60 FPS के करीब। HD HDR अल्ट्रा HD पे जाऊंगा तो ये बिल्कुल इसकी दुनिया ही बदल जाती है एक तरह से, और ये तकरीबन 30 FPS से 40 FPS के करीब आप अल्ट्रा HD यानी कि 4K रिजल्ट पे भी गेम को खेल सकते हैं। तो यहाँ तक आप जा सकते हैं पबजी के ज़रिए। अब मैं स्मूथ और 90 FPS पे गेम को खेलूँगा। कलर जो मैंने रखे हुए हैं वो कलरफुल रखा हुआ है और ये शेडो वगैरह सब चीज़ को मैं ऑन कर रहा हूँ और मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। न्यू सेटिंग मैंने अप्लाई कर दी है। अब मैं सबसे पहले अरीना आपको खेल के दिखाता हूँ, अरीना गेम पे। तो आप गेम के साथ साथ इसके टाइम को मेजर कर सकते हैं। इस वक्त मेरी बैटरी जो है वो 58% है, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा सकूं। और जो टाइम हुआ है इस वक्त यहाँ पे वो 9:46 PM हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 Finger प्ले करूँगा इसके साथ। तो आप गेम को देखें और इन्जॉय करें और आपको देखेंगे कहीं पर भी आपको फ्रेम ड्रॉप कहीं पर फ्रेम ड्रॉप करता हुआ ये मिले तो मुझे बताइएगा लाजमी। एक को तो मैंने भेज दिया था वापस लेकिन दूसरा मुझे ले गया। ओ भाई ये तो बहुत तेज लोग हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा और जो हमारी गेम है वो बहुत स्मूथली रन कर रही है। मुझसे कहने रीलोड नहीं हुई। खैर अगली कुर्बानी की तरफ चलते हैं। हम देख सकते हैं कितनी जबरदस्त गेम प्ले इसके ऊपर हो रहा है। ओह मुझसे गाने सेलेक्ट नहीं। तो गाइज जब तक आप गेम प्ले देख रहे हैं मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, मैंने अपना जो चैनल है वो बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ स्मैकर के नाम से। तो आप वो जाकर लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। उसके ऊपर हम डिफरेंट गेम प्ले किया करेंगे, स्पेशली पबजी क्योंकि मैं खेलता हूँ ज़्यादा, तो पबजी को हम वहाँ पर किया करेंगे गेम प्ले।
यार अपना क्या है क्या, मुझे ना वो ज़्यादा नाटक वगैरह नहीं करने आते। हम जो मैं जो अपनी ऑफिशियल आईडी है उसी के साथ खेल रहा हूँ, उसके ऊपर गेम खेल रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने ये टेस्ट करवाने के लिए आपको कोई डिफरेंट आईडी लगा के टेस्ट करवा दिया, इस तरह नहीं होता। मैं जो मेरी ऑफिशियल आईडी है, जो मेरा लेवल है, उसी के हिसाब से बंदे आ रहे हैं और उसी के हिसाब से मैं खेल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा तकरीबन 63 या 64 लेवल है। लेवल तो मेरा थोड़ा सा कम ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस हिसाब से ही बंदे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कि बोट वगैरह मार कर तो वहाँ पर आपका रिव्यू दे रही, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये जो जितने भी प्लेयर हैं, ये एस के या डायमंड के प्लेयर हैं, और जो सीज़न है वो अभी थोड़े दिन हुए हैं स्टार्ट हुएगा। मैंने बहुत गलत टाइम पे गन चेंज कर ली थी, वरना इसकी भी कुर्बानी हमने ले ली थी। तो गाइस फाइनली हमने देखे कि TDM के अंदर 19 स्किल किए, जिनमें से टोटल जो आपको बताया कि 40 होते हैं, और ये डायमंड और एस के प्लेयर थे जो कि हमने किल किए हैं। तो आप इसी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं पे भी कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिली और बहुत ही ज़बरदस्त सा गेम प्ले हमें मिला है। और ये जो मोबाइल है वो ना होने के बराबर, मतलब हल्का सा बिल्कुल जितने के आम मोबाइल भी हो जाते हैं उतना सा हीट हुआ है। और ऑब्वियसली 90 FPS भी खेल रहे हैं तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा। और इस वक्त जो मेरे मोबाइल की बैटरी है वो 56% है, और जो मोबाइल पे टाइम हुआ है वो 9.52, मतलब मेरे ख्याल से ये कोई 8 मिनट के अंदर गेम प्ले ख़त्म हुआ है। और जो बैटरी ड्रॉप हुई है 90 FPS पे, हाई फ्रेम रेट पे, अंदर शेडोज़ और टेक्सचर वगैरह मैंने ऐड किया हुआ था, वो तकरीबन और तकरीबन सिर्फ 2% ड्रॉप हुई है। सही है, अब हम चलते हैं क्लासिक मोड की तरफ। मैं यहाँ पे एक लिविक खेलता हूँ, उसके अंदर देखते हैं कि हमारा जो फ्रेम रेट है वो किस तरह से आते हैं। तो मैं सिंगल पे ही लगा रहा हूँ। सेटिंग्स जो मेरी है वो वही है, ग्राफिक्स वगैरह मेरे उसी तरह से ही हैं। ठीक है, लेकिन गेम की तरफ जाने से पहले मैं ये चेक कर लूँ कि मेरी जो सेटिंग है वो 144 Hz पे ही है। उसके लिए मैं सेटिंग के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट मिलता है 144, मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और अपनी गेम की तरफ वापस आता हूँ। यहाँ पे देखिए कोई भी फ्रेम ड्रॉप हमें नहीं मिल रहा, कितनी स्मूथ गेम हो रही है, कितनी परफेक्ट चल रही है।
और जो इस वक्त मेरी पिंग आ रही है वो भी 30 से 40 के दरमियान में आ रही है। आप अगर इस मोबाइल के साथ हैंड फ्री भी यूज़ करेंगे तो ये सी टाइप की हैंड फ्री यहाँ पे आपको बाज़ार में मिल जाएगी तकरीबन 1000 से 2000 के दरमियान में, जो अच्छी क्वालिटी की है। तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसके बगैर ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग भी तो सुनानी है ना आपको। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ सीधा मिड्स टाइम में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि फास्ट गेम प्ले में देखें कि यहाँ पर जो फ्रेम ड्रॉप होते हैं, यानी मिड स्ट्रीम में ज़्यादा बंदे उतरते हैं, तो देखते हैं कि कोई फ्रेम ड्रॉप इसके अंदर होता है या नहीं, किस तरह का गेम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बंदे उतर चुके हैं, तो यहाँ पे हम गन उठाते हैं सबसे पहले। तो ऊपर जाकर फायर लेने की कोशिश करते हैं। सॉरी, इस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, इस वक्त कोई मजाक नहीं। वो बेचारा फजूल में मारा गया। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली गेम चल रही है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा। ये तो हमारे बोट भैया थे। तो हम नीचे चलते हैं और बंदे की तरफ। यहाँ से हम करते हैं भाईजान लूट। अबे निकलने दे भाई। ये बंदा जी, ये बंदा, ओ मेरी फेवरेट स्कोप मिल गई। आप भी आप कमेंट्स में बताइए कि आपकी फेवरेट स्कोप कौन सी है। मैं तो 3x यूज़ करता हूँ, मेरा ये सबसे फेवरेट स्कोप है, मुझे मतलब ये बेस्ट लगता है।
मतलब 3x एक तरफ और बाकी सारा स्कोप एक तरफ। ये सामने मुझे बंदे लग रहे हैं। थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं ताकि थोड़ा सा हेल्थ बूस्ट हो जाए। तो चले चलते हैं हम सीधा अपने ड्रॉप की तरफ। अगर मुझे रेड जोन से बहुत डर लगता है यार, क्योंकि रेड जोन अक्सर हमें मार देता है। ओ भाई ये बंदा हमें ले गया भाई, उसका एम अच्छा था, हेड शॉट उसने दिया। बहरहाल ये तमाम गेम जो मैंने खेली है, किस तरह से खेली है, फ्रेम ड्रॉप हुआ या नहीं, तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये मोबाइल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।